पंजाब हिमाचल सीमा पर पठानकोट के गांव हरियाल के पास पिछले कुछ समय से दूसरे जिलों से ईंटों को लाकर डंप किया जा रहा था, जिन्हें बाद में हिमाचल के ट्रकों में भरकर हिमाचल के अलग अलग गांवों में बेचा जा रहा था, जो कि फूड सप्लाई एक्ट के तहत गैर कानूनी है, जिसके चलते आज फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारकर ईंटों से भरे 60 ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट पठानकोट दूसरे जिलों को आ के इलीगल ईंट बिक रही है, जिहड़ी कि ये थर्ड क्लास क्वालिटी की ईंट होंदी है। उत्थे जिहड़ी आ ये जानवरों का जिहड़ा भूसा वा उहदे नाल ईंट पकांदे आ। एक ते जानवरों का जिहड़ा चारा उहदे नाल खत्म हो रहा वा, नंबर दो जिहड़ा लोगों का आशियाना कमजोर हो रहा वा। एक फूड सप्लाई का एक्ट है जिहदे विच दूसरे जिले च जाके ईंट रीसेल नहीं कर सकते। पुलिस वाले नाल मिल के रेड की है, उन्होंने अजे गड्डियां रोकिया वा, कुछ गड्डिया इतने रोकिया वा, उन्होंने जिहड़ियां लोड होंदियां पईयां उह अद्धियां भरी दियां वा, अद्धियां दूसरियां जिहड़ियां लोड करांदियां पईयां उह भरी दियां खाली है। ईंट जिहड़ी है जी संगरूर तों मोगे तों अपने बुढ़लाडे तों दूसरे जिलों तों आ के इत्थे ईंट दी सेल की जाती है। इस संबंधी हजे सानूं अगे लिख के भेजणगे कि इसकी एफ आई आर किस सैक्शन के अधीन दर्ज की जाए। कोई अजे लैटर आया नहीं, जो आए तो असं जो भी जैसा भी लिखा है उस अनुसार खिलाफ कार्रवाई करांगे। तो सर की पहला भी इतने जी अवैध रूप से जी होंगी है इस संबंधी, क्योंकि मैं हजे रीसेंटली इतने 15 दिन हुए ज्वाइन किया, मेरे नॉलेज नहीं है, क्योंकि सिविल सप्लाई के डिपार्टमेंट ने हूँ ही आके साथ ये नोटिस कर लिया। पठानकोट से जागृति लहर के लिए रविंदर सिंह की रिपोर्ट।